विश्वासिना बनकर आजा, आ तेरे विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझे, राई बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता, दैनिक वेदनाओं की पहाड़ी विश्वास से हट जाती, सब कुछ मुमकिन हो जाता, अविश्वास ना बन करा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी संत डोमिनिक पुरोहित का पर्व मनाते हैं। जब हम संत डोमिनिक का पर्व मनाते हैं तो हम उनकी शिक्षा और उनके कर्मों को, जिस प्रकार उन्होंने बड़ी ईमानदारी से किया है और ईश्वरीय राज्य की घोषणा के लिए उन्होंने अपने जीवन को बिताया है, उस पर मनन करते हैं। क्योंकि संत डोमिनिक कहा जाता है कि एक सत्यवान प्रभु का भक्त था, जो सत्य के लिए खड़ा था, जिसने अपने आप को प्रभु की योजना के लिए समर्पित किया। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में भी हम पाते हैं कि प्रभु पेत्रुस को चाबियां देते हैं, कुंजियां, और प्रभु उससे कहते हैं जिसका तुम निषेध करोगे उसका निषेध रहेगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जिस प्रकार हम पेत्रुस को जानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के वचनों को ग्रहण करते हुए 45 इयर्स ओल्ड, वो सच के टूटू टूटू करके प्रभु के आगे आगे घूमता है और प्रभु को वो रिब्यूक भी करता है, प्रभु को बोलता भी है, चिल्लाता भी है कि ऐसा तुम पर नहीं होगा। और वही पेत्रुस प्रभु को 3 बार स्वीकारता भी है, जो हम संत योहन के सुसमाचार पाठ में पाते हैं कि वह अपनी नाव पर था, प्रभु के कार्य को छोड़ दिया था और प्रभु उससे कहते हैं क्या तुम मुझे प्यार करते हो, और वह पेत्रुस प्रभु को प्यार करता है। और वही पेत्रुस 3 बार प्रभु को कहता है कि आप ये जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वही पेत्रुस प्रभु का सबसे प्रथम प्रवक्ता बना, उसने 3,000 लोगों को बपतिस्मा दिया। कई बार जब हम हमारे जीवन में एक आदर्श पुरोहित को देखते हैं तो पुरोहित भी एक प्रकार का मानव होता है, उसके अंदर पेत्रुस के समान कई सारे गुण होते हैं, जैसे हम सभी में हम अस्वीकार करते हैं, हम स्वीकारते हैं, हम प्यार करते हैं, हम नफरत करते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन में हम सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, जब हम संत डोमिनिक का पर्व मनाते हैं, कि प्रभु अपने पुरोहितों को अपने सानिध्य में रखें और उन्हें अपने बाहुबल से प्रकाशित करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु संत डोमिनिक अपने पुण्य कर्मों तथा शिक्षा द्वारा तेरी कलीसिया के सहायता करें, जैसे वह तेरे सत्य के उत्साही प्रचारक थे वैसे ही अब वे हमारे प्रिय मध्यस्थ बने रहे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, नबी यरेमियस का ग्रंथ, अध्याय 31, पद संख्या 31 से लेकर 34 तक। मैं एक नया विधान निर्धारित करूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। प्रभु यह कहता है, वह दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घराने और यूदा के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। वह समय बीत जाने के बाद मैं इज़राइल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। प्रभु की यह वाणी है, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वह मेरी प्रजा होंगे। इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी कि वह एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, हे ईश्वर मेरा हृदय शुद्ध कर, हे ईश्वर मेरा हृदय शुद्ध कर, हे ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य, हे ईश्वर मेरा हृदय शुद्ध कर, मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं विधर्मियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। अनुवाक्य, हे ईश्वर मेरा हृदय शुद्ध कर। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य, हे ईश्वर मेरा हृदय शुद्ध कर। जय घोष, आलेलुया, तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने केसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन बपतिस्ता,
कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं एरेमिस अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सीमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा, तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूं। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं महायाजकों शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेत्रुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें यह कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे प्रभु, यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेत्रुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचते हो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम नबी एरेमियस के ग्रंथ से सुनते हैं कि मैं एक नया विधान निर्धारित करूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। और जब हम प्रभु ईश्वर के वचनों को आज सुनते हैं तो प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इसराइल के घराने और यूदा के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। और ईश्वर वहीं पर कहता है कि जिस प्रकार तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र की गुलामी से निकालकर, जिस प्रकार तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र की गुलामी से निकाला गया था और उसके बाद में भी तुम लोगों ने ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया, मैं यह कहता हूँ कि अपना नियम उसके अभ्यंतर में दूंगा, मैं उसके हृदय पर अंकित करूँगा, नया हृदय, एक नया हृदय मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। ईश्वर अपनी प्रजा को एक नया हृदय प्रदान करने की बात करता है। जब हम वह अंकित और जब उस हृदय की बात करते हैं कि मैं उनके पापों को याद नहीं करूंगा, मैं उनके पापों को क्षमा प्रदान करूंगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर जब हमसे प्रेम करता है तो ईश्वर चाहता तो वह हमारे पापों के कारण मनुष्य का अंत कर सकता था, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य का अंत नहीं किया, उसने मनुष्य को और कई सारे मौके दिए, लेकिन मनुष्य अपनी फितरत के कारण वह बिल्कुल सीधा नहीं हुआ। क्योंकि कहा जाता है कि जो कुत्ते की पूंछ होती है उसको अगर आप पाइप में भी अगर अच्छे से डाल के रखो तो वह कभी ना कभी टों मुड़ी जाती है। और यही बात जब हम मनुष्य के जीवन में देखते हैं तो मनुष्य भी अपनी जो योजना है, जो इच्छाएं हैं, अपने जो डिज़ायर्स है, अपने जो प्रकार की ईर्ष्या है, घमंड है, लालच है, वह उससे कभी बाज नहीं आता है। वह ईश्वर के नियम को पहचानता है, जानता है, लेकिन फिर भी वह अपने कुकर्म को करते रहता है। लेकिन ईश्वर माफ़ करता है, ईश्वर क्षमा करता है। अगर हम हमारे जीवन में यही बात देखेंगे तो आज का जो प्रभु का वाक्य है, हे ईश्वर मेरा हृदय शुद्ध कर दे, मेरा हृदय, जब हम हृदय शुद्ध करने की बात करते हैं तो हमारे मन में, हमारे हृदय में जो कटुता है, जो कालापन है, जो कलेश है, जब हम हमारे जीवन में देखते हैं तो हम यही बात पाते हैं कि ईश्वर हमें कितना क्षमा करता है। क्या हम औरों को इतनी बार क्षमा कर पाते हैं?
और यही बात जिस प्रकार मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि पेत्रुस सभी पुरोहितों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, सभी माताओं के लिए, सभी पिताओं के लिए, सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ये ईश्वर के वचन है। उसके बाद में कई बार हम हमारे टॉक में ऐसा बोलते हैं कि उंगली पकड़ा दी तो कई लोग सर पे चढ़ जाते हैं, और यही बात जब हम हमारे जीवन में देखते हैं तो ये पेत्रुस जब प्रभु उससे कहता हाँ तुम ये किसी को मत बताना, उसके बाद में प्रभु जब अपने दुख भोग की भविष्यवाणी करते तो यही पेत्रुस इंग्लिश में बोलते हैं ही रिब्यूक्ड जीसस, और हिंदी में पेत्रुस यीशु को अलग ले गया और यह कहकर समझाने लगा, समझाने लगा ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। कितना बढ़िया, एकदम अपने हाथ में अथॉरिटी लेते हुए कितना अच्छा प्रभु को शिक्षा दे रहा है, और प्रभु को कहता है कि आपके ऊपर कभी नहीं होगा ऐसा, और प्रभु से कहते हैं दूर हट जा शैतान। हाँ क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम हमारे हृदय में क्लेश, घमंड, लालच, ईर्ष्या और दूसरों की निंदा, इसके कारण कई बार हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस में तितर बितर हो जाते हैं, हम ईश्वर की योजनाओं को नहीं समझ पाते। लेकिन आज जब हम पेत्रुस को देखते हैं तो ये कैरेक्टर सभी के लिए, माता पिता के लिए, बहनों के लिए, फादरों के लिए, सबके लिए कैरेक्टर मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य की जो प्रमुखता है, मनुष्य के जो उदाहरण है, मनुष्य होने के जो आचरण है, ये पूरा एक पेत्रुस के रूप में हम पाते हैं कि वह कई बार प्रभु को अपना सब कुछ मानता है, सब कुछ छोड़कर आ जाता है और प्रभु के पीछे हो लेता है और प्रभु के लिए मनुष्य और पहला व्यक्ति बनता है जो ईश्वर की बातों को कहता है कि आप मसीह हैं, और प्रभु वही पहले व्यक्ति को कहता है दूर हट जा शैतान। हाँ क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम अपने आप को इस कलीसिया के रूप में देखते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि कलीसिया क्या है, सीसीसी कैथलिक कैटेकिज्म ऑफ कैथलिक चर्च के अंदर हम पाते हैं कि कलीसिया आप हैं, जो विश्वास करता है वो कलीसिया है। बिल्डिंग चर्चेस वो नहीं है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े महल है, या छोटे से महल है, या छोटे से बिल्डिंग है, डिज़ाइन है, बड़े बड़े झूमर है, वो चर्च नहीं है, वो कलीसिया नहीं है। कलीसिया है जो प्रभु में विश्वास करता है, आप मैं और हम सब जो ईश्वर में विश्वास करता है वो है चर्च, वो है कलीसिया। और जब हम अपने आप को, अपनी कलीसिया को विश्वास में मजबूत बनाते हैं तो यही विश्वास हम हमारे बच्चों को देते हैं, हम ये बच्चों को बताते हैं कि चर्च क्या है। चर्च वो है जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है, जो मसीह में विश्वास करता है। और यही बात हम आज के जयघोष पाठ में पाते हैं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हाँ क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, ईसाई समूह आज भी जीवित है, प्रभु यीशु के मरने के बाद आज भी ईसाई हम लोग सब जीवित है, प्रभु आज भी जीवित है, आज भी कार्यरत है। लेकिन क्या हम हमारे आचरण के कारण प्रभु को नाराज करते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं? आइए हम कुछ मौन रूप से हमारे आचरण को सुधारने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। तेरे भवन यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी वे परम पिता, फूल और फल प्राकृत रोटी जतन का फल, चुके वो रोटी दो ज
जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग, तो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भी परम पिता। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत डोमिनिक की मध्यस्थता द्वारा हम तुझे यह उपहार अर्पित कर रहे हैं, इसे दयापूर्वक ग्रहण कर और ऐसी कृपा कर कि तेरे धर्मवीर इस बलिदान के प्रभाव से तेरी सुरक्षा प्रदान करे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसीलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करे और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करे। प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए,
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुदीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुदीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, हम हमारे परिवार के मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य हो सब धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान तेरा ही है। हम सब पूरे विश्वास के साथ में वही प्रार्थना दोहराएं जो प्रभु येसु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ,
तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। यह है वह ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा जिसे प्रभु ने अपने परिवार पर नियुक्त किया ताकि वह उचित समय पर उन्हें रसद बांटा करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत डोमिनिक के स्मरणोत्सव में जिस संस्कार से हम तृप्त हुए हैं उसकी कृपा से अपनी कलीसिया को भर दे। तेरे संत ने अपने प्रवचनों द्वारा उसका विस्तार किया था, कलीसिया अब इनकी मध्यस्थता द्वारा तेरी सहायता का अनुभव करती रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। कोई था न कोई छो, कृतज्ञता
कृपा करुणा से प्रभु जने क्या क्या पा जाते सखा स्वास्थ्य और घर संतान सहज ही सुलभ हो जाते समय समय की जरूरत का उसमें ही हल पा जाते सुवचन सुकर्म शील विचार प्रभु मैं मन में समा जाते उसे भजूं मैं